कौन है यूपी का सिंगम? योगी ने कानपुर को किया सिंगम के हवाले। 48 घंटे में किसने की पत्थरबाजों की आग ठंडी? कौन है योगी का सबसे पसंदीदा पुलिस ऑफिसर? कानपुर हिंसा में हुई सिंगम की एंट्री, चौकिए मत, इसलिए क्योंकि कानपुर हिंसा के दंगाई महज 5 घंटे में राइट टाइम होकर अपने अपने घरों में दुबक गए। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये सिंगम, तो आइए आपको बताते हैं उसी यूपी के सिंगम की कहानी जिसने लखीमपुर कांड में भी एंट्री मारी थी, मामले को चुटकियों में सुलझा दिया। हम बात कर रहे हैं योगी के सबसे भरोसेमंद और तेज तरार आईपीएस में से एक अजय पाल शर्मा की। तो चलिए जानते हैं कौन है ये सिंगम जिसके नाम से ही कानपुर में भड़की हिंसा शांत हो गई। एक ऐसा अफसर जिसने एनकाउंटर की मानो सेंचुरी बना दी हो। आपको बता दें, इन्हें सिंगम ऐसे ही नहीं कहा जाता। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब जब यूपी के किसी भी जिले में संकट के बादल मंडराते हैं तो योगी तुरंत ही आईपीएस अजय पाल शर्मा को याद करते हैं। तभी तो कानपुर में जैसे ही हालात बिगड़ने लगे तो अजय पाल शर्मा की एंट्री हो गई। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की एंट्री हुई तो कानपुर की उन सक्रिय गलियों का नजारा ही बदल गया। यूपी के सिंगम के नाम से ही पत्थरबाज उल्टे पैर अपने अपने घरों की ओर भागने लगे। तभी तो इस नफरती हमले को 48 घंटे बीतते ही सबसे पहले पत्थरबाजों के पोस्टर चस्पा हुए। पोस्टर चस्पा हुए तो लिखा गया कि जानकारी गुप्त रखी जाएगी। सिंगम के नेतृत्व में लखनऊ के हतरसगंज से हयात हाशमी को भी धर दबोच लिया गया। नफरत की चंगारी को भड़काने वाले एक एक शख्स को पकड़ा जा रहा है। कानपुर के इस कलंक को मिटाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि अजय पाल शर्मा की टीम में दो और ऑफिसर भी बताए जाते हैं जिनका नाम है चारू निगम और अविनाश पांडे। वैसे तो सिंगम ने वही किया जो एक समझदार अफसर को करना चाहिए। उन्होंने जिले के डीएम और कमिश्नर के साथ सिर्फ बैठक ही नहीं की बल्कि खुद ही मैदान में अपनी टीम के साथ बिना किसी डर के घटना स्थल पर पहुंच गए। फिर क्या था, मैदान साफ हुआ और उपद्रवी बेहाल। आइए जान लीजिए कौन है आईपीएस अजय पाल शर्मा। लुधियाना के रहने वाले अजय पाल शर्मा वैसे तो साइंटिस्ट बनना चाहते थे, बन गए डेंटिस्ट। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का लिखा जल्द मिटता नहीं। तभी तो दांतों का डॉक्टर एक पुलिस ऑफिसर बन गया। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये समाज में हो रही बुराई को सहते नहीं बल्कि झूठ के खिलाफ इनको सच बोलने का बड़ा साहस था। और शुरू से ही इनको बंदूक चलाने का भी शौक था, पहले खिलौने वाली और अब अपराधियों को साफ करने वाली। इसी को देखते हुए इनके पिता ने इन्हें पुलिस में जाकर सच की आवाज बुलंद करने का सुझाव दिया। हालांकि ये पढ़ने में बहुत तेज हुआ करते थे। 10वीं यानी कि 10th क्लास में तो गणित में 100 में से 100 नंबर लाकर जिले का नाम भी रोशन किया। अजय पाल शर्मा का काम करने का अंदाज योगी को कहते हैं खूब भाता है। निर्भीक ऑफिसर को योगी हमेशा याद करते हैं। कानपुर बिकरू कांड से लेकर लखीमपुर खीरी कांड में इन्होंने मोर्चा संभाला। योगी ने तो इन्हें लखीमपुर कांड के दौरान उन्नाव से डायरेक्ट लखीमपुर सौंप दिया था। कुछ भी कहें, सल्लू जैसे पत्थरबाज का खुद सरेंडर कर देना अपने आप में सीधे तौर पर संकेत है कि यूपी के सिंगम से पत्थरबाजों की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।